भैया जीत गया कमल। क्यों, क्या हुआ रे रोहन? हो गई साइकिल पंचर? चाले दिमाग ना खराब कर मेला। दिमाग क्या, तो तेरा मूड माहौल सब खराब होगा यार। चल चल, किस्मत अच्छी तेली कि तेला कमल जीत गया। अबे तेरी जो साइकिल लाई है ना सीटे, उससे डबल लाया है मेरा कमल। तो तुझसे पहले कहा था मेरी बात पे ही होगा अमल, इधर उधर ऊपर नीचे सब जगह खिलेगा कमल। बच्चा आ गया यार। अभी तू खुश तो यार लाजे हो ला, जैसे वो तेरे कोई मुख्यमंत्री बनाएंगे। इतनी खुशी हो रही है तो मुंह मीठा करा दे। अबे तेरा क्यों मुंह मीठा कराऊं बे, तू तो वैसे चाह रहा था कि मैं हार जाऊं। चल बे कंजूस मक्खी चूत, अगर मेरी छपा जीतती ना तब देख काजू कतली खिलाता तुझे। मीठा, अबे साले काजू कतली खिलाएगा तू? चिरौंजी जैसी शक्ल लेके बैठा है। साले पालतू मत बोल, मेरे तो पक्का लगता है चीटिंग हुई है। चीटिंग, गिनती में गड़बड़ हुई है। गिनती में गड़बड़ नहीं हुई है, तेरे दिमाग में गड़बड़ है। दिमाग में यार मैं तेरे को बता रहा हूँ यार, एटीएम मशीन में गड़बड़ की गई है। एटीएम मशीन से कर लिया। अबे ईवीएम चूती है। हाँ हाँ वही ईवीएम एटीएम, बात एक ही है, गड़बड़ हुई है उसमें। अरे तू लेमन जूस जाके गड़बड़ हुई है उसमें, मतलब नहीं मिली जीत की मिठाई तो करोगे चुतिया पाई। ये कैसी शायली है बे? अरे यार रोहन, हाथ अंकल जी, हाथ का सुपला साफ। कहना चाह रहा है कि ये सब ईमानदारी से हुआ है। हट, मैं नहीं मानता। तू मान ना मान, तेरी क्या पहचान भाग? यार अनमोल हाथी। हाथी को ना मिला कोई भी साथी। मैं कह रहा था यार हाथ। अरे हाथ का सुपड़ा। यार चुप करो यार तुम दोनों, यार मेरे हाथ में यार खुजली मच रही है यार बहुत देर से। अंकल जी आपके हाथ में खुजली मच रही है? यार रोहन हाथ में खुजली मच रही है यार। अंकल जी इसका मतलब ना आपके पैसे खर्च होने वाले हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा यार, अच्छा यार, अगर पैर में खुजली मचे तब क्या होता है? अंकल जी ऐसे ही अगर पैर में यहाँ पे खुजली हो ना तो यानी कहीं यात्रा करनी पड़ती है। अरे वाह यार, यार मेरे ना यार पिछवाड़े में भी बहुत खुजली मच रही है यार। हाँ सच्ची। अंकल जी अगर आपके पिछवाड़े में खुजली हो रही है तो समझ के रहो, इसका मतलब जान का खतरा हो सकता है। ओह नो, कुछ भी बोलता है यार तू। और यार अगर बगल में खुजली मचे तो इसका क्या मतलब होता है यार? अंकल जी बगल में खुजली सिर्फ उसके होती है जिसका लौंडा चूतिया होता है। हराम खोर, भाग तो सही यहाँ से। अब आपको क्या हुआ? यार मेरे अनमोल यार दोनों बगलों में खुजली मच रही है यार। तो मैं क्या करूँ इसमें? तू करेगा क्या? इसका मतलब तू चूतिया नहीं है, तू महा चूतिया है यार। अरे आपको तो कुछ कह भी नहीं सकता। ए परमात्मा, ये सारे महान व्यक्तित्व के लोग मेरी ही किस्मत में लिखे हैं क्या? बालक देखता जा, अभी तो तेरी किस्मत में भिन्न भिन्न प्रकार के नमूने आने बाकी हैं।